गुड इवनिंग बोलूं या गुड मॉर्निंग बोलूं या गुड आफ्टरनून बोलूं या गुड नाइट बोलूं, क्योंकि अभी रात के बज रहे हैं लगभग 1:30 हो रहा है, ठीक है। और मैं अभी खड़ा हूं अपनी बिल्डिंग के जस्ट बाहर और आया था यहां पे थोड़ा काम से, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर देते हैं। जो लोग भी मेरे से पूछते हैं कि वहाँ की जॉब कैसी है, वहाँ की लाइफ कैसी है, वहाँ का जीवन कैसा है, खान पान कैसा है, रहन सहन कैसा है, वहाँ आके हम कितना बचा लेंगे, कितना कमा लेंगे, क्या क्या कर लेंगे, मतलब वट एवर, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ये क्वेश्चंस होते हैं और होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। इंडिया में बेरोज़गारी जो इतनी ज़्यादा है, और बेरोज़गारी के पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण भी है क्योंकि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी उतना अच्छा नहीं है जो होना चाहिए। अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, वो एक अच्छी बात है और ये गुड न्यूज़ भी है कि कम से कम डेवलप हो रहा है, तो जो हमारी आने वाली जनरेशन और है अब उसके लिए ये एक ब्राइट फ्यूचर साबित हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो लोग भी 90s के हैं, जो लोग भी 10 के हैं, अब जाहिर सी बात है उनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें काम करना है, उन्हें जॉब करना है, उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं घर की, किसी को बहन की शादी करनी है, किसी को घर का सिचुएशन सुधारना है, किसी को जो है माँ बाप को माँ बाप के सपने पूरे करने हैं। मतलब जो लड़के होते हैं ना उनके अंदर एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ ही जाती है कि उन्हें सब कुछ करना है, घर भी बनाना है, बहन की शादी भी करनी है और नाते रिश्तेदार जो भी लोग होते हैं उनको भी देखना है और अपनी रिस्पेक्ट भी कायम करनी है अपने जो फैमिली मेम्बर उनके सामने या फिर जो हमारे रिलेटिव हैं गाँव समाज जो भी है उसके हिसाब से हमें अपने आप को प्रूफ करना है कि हाँ हम भी उस लायक हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन सब करने के लिए बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद अब सबसे बड़ा जो वजह आ जाती है वो आती है नौकरी यानी जॉब। जॉब कहाँ करें, जॉब तो मिल जाती है लेकिन वो सेटिस्फेक्शन वाली जॉब नहीं मिलती जिससे कि वो लाखों रुपए कमा सके महीने में और अपने घर वालों की अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें, ठीक है। तो अब इस कंडीशन के बाद लोग क्या करते हैं ना कि रुख कर लेते हैं किसी और कंट्री की तरफ, और वो कंट्री कोई भी हो सकती है, मान लीजिए कि जो सबसे चीपेस्ट कंट्रियाँ होती हैं जहाँ पे कम पैसों में आप जा सकते हैं, वो जैसे कि गल्फ़ होती हैं, आप यूएई चले जाएँ, उसमें सऊदी चले जाएँ, ओमान चले जाएँ, कतर चले जाएँ, ये जो कंट्रीज होती हैं यहाँ पे थोड़ा सा चीपेस्ट होता है। बाकी अगर आप यूके अब्रॉड वगैरह जाना चाहेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। और मैं आपको सजेस्ट भी करूँगा कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप यहाँ के लिए आ सकते हैं, गल्फ कंट्री इतनी बुरी नहीं है। मैं यहाँ पे पिछले 5 से 7 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, यानी 7 साल मुझे हो गए और 5 साल कंटिन्यू हो गए मुझे रहते रहते, मतलब 2 साल आप छुट्टी निकाल दीजिए क्योंकि एक बार मैं 1 साल रुका हूँ लगभग अपने घर पे और 1 साल कभी 3 महीने, कभी 4 महीने, कभी 2 महीने, तो 1 साल आप दो साल वो आप निकाल दो, लेकिन 5 साल मैं कंटिन्यूसली यहाँ पे रहा हूँ और मेरा ये जो है कम से कम 4th वीज़ा होगा, यानी कि 2 साल 3 वीज़ा मेरे ख़त्म होने वाले हैं, 6 साल मेरे पूरे होने वाले हैं। तो अभी जो है जो वीज़ा लगेगा वो 2 साल के लिए और लगेगा, ठीक है। तो खैर ये कोई मेन मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि आखिरकार लोग यूएई आते क्यों हैं, ठीक है, क्या उन्हें और जो लोग यूएई आ जाते हैं वो अपने घर वालों को मिस करते हैं, ठीक है, ये मैंने देखा है, मैंने जाके लोगों से मिला हूँ, देखा हूँ कि जो लोग यूएई नहीं आ पाते वो कहते हैं कि भैया कैसे आए आप बता दो कि कैसे आए, और जो लोग यहाँ पे आ जाते हैं तो अब वो ये सोचते हैं कि नहीं हम अपने मुल्क में अपने घर पे अपने घर यहाँ पे जाके इतना प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम खुश रहना चाहते हैं हर हाल में और खुश के साथ साथ अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा लेकिन अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलूँगा कि अगर आप यूएई या किसी भी गल्फ कंट्री या किसी भी अब्रॉड कंट्री में जाने के बारे में सोच रहे हो ना, तो सबसे पहले आप अपने मस्तिष्क को, जिसको बोलते हैं कि ब्रेन, ठीक है, उसे मजबूत कर लो और उसमें ये चीज़ फीड कर लो कि आपको यहाँ पे सेक्रीफाइसेस आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा देने हैं। मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते कि जब आप यहाँ पे आओगे आपको कितनी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हर वो काम आपको करना पड़ेगा जो काम आपने कभी नहीं किया होगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है, आई एम सॉरी, कि इंडिया के ऐसे लोग हैं, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश कोई भी हो, ऐसे लोग हैं जो बंदे हैं जो गल्फ कंट्री में आते हैं, उन्होंने इससे पहले जो गल्फ कंट्री में आके काम करते हैं अपने लिए, इससे पहले उन्होंने घर में कभी भी नहीं किया होगा। क्या आपने कभी घर में खाना बनाया है? नहीं। क्या आपने कभी घर में अपने कपड़े धुले? नहीं धुले। क्या आपने कभी अपने बारे में ख्याल रखा है अपनी कंट्री में? नहीं रखा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारे अपने लोग होते हैं जो हमारा खुद ख्याल रखते हैं, ठीक है।
और देखिए ये जो वीडियो है ना, ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं कहीं ना कहीं आप लोगों को सच्चाई बताना चाहता हूँ। मतलब आप लोग इससे रिलेट कर पाओगे अपने आप को। अगर आप रिलेट यहाँ पर भी ना कर पाओ तो ये समझ लो कि मेरा वीडियो बनाने का मतलब कोई अच्छा नहीं है। और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो। देखो यहाँ पे एक समय ऐसा भी आता है, अगर देखिए गल्फ कंट्री अगर आप आ रहे हैं, ठीक है, गल्फ कंट्री आने का मतलब है आपके पास एजुकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि हाई स्कूल एंटर कर लिया, बोला क्या यार पढ़ाई अदा करके क्या करना, हमें तो जाना है गल्फ, हमें तो जाना दूसरी कंट्री, हमें तो वहाँ पे पैसे कमाने हैं। लेकिन भैया अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है ना, तब भी आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी, और जो यहाँ पे जॉब मिलेगी ना वो आपको जलालत से भी ज़्यादा महसूस कराएगी, ठीक है। यानी आप वर्कर को बनके कितना पैसा कमा लोगे, ठीक है। आपको अगर किसी गल्फ कंट्री या किसी भी अब्रॉड कंट्री में जाना है तो आपको उससे पहले आपको अपनी क्वालिफिकेशन, आपका अपना पोटेंशियल, अपने पोटेंशियल को पहचानना है। क्योंकि अगर आप नहीं पहचान पा रहे तो जाहिर सी बात है आपको आपका जो मालिक है या फिर आपका जो कलीग है वो शोषण करेगा हर वक्त हर कदम पे, ठीक है। और ये मैं ऐसा नहीं कि हवाई बात कर रहा हूँ, ये मैं एक्सपीरियंस के बेस पर बात कर रहा हूँ। तो ये मत सोचना कि ये मैं व्यूज़ पाने के लिए बात कर रहा हूँ। भाई साहब मैं अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ, 2013 से जो है मैं अपनी कंट्री में जॉब कर रहा था। पिछले मतलब हो गए 10 साल हो गए होंगे लगभग, यानी 23 क्या चल रहा है अभी, मतलब 10 साल लगभग हो गए, ठीक है, इसमें कोई जस्टिफाई करने वाली बात नहीं। 23 साल हो गए, यानी 10 साल हो गए। 10 साल में मैंने 6 साल यूएई में जॉब करी, 4 साल मैंने इंडिया में जॉब करी। और जो मैंने इंडिया में जॉब करी उसका भी एक्सपीरियंस और इसका एक्सपीरियंस एक अलग लेवल का था, ठीक है, कह नहीं सकते उसके बारे में। मतलब इंडिया में एक एटलीस्ट ये तो था कि यार दोस्त थे, यार था, फैमिली थे, घर था और अपना शहर था, सब कुछ था। लेकिन यहाँ पर अगर छुट्टी होती भी है ना तो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाओगे आप, ठीक है। घर पे कितनी देर बात करोगे, आधे घंटे, एक घंटे, दो घंटे, कितनी देर बात करोगे, नहीं हो पाता। तो एट द एंड मैं आपसे लोगों से एक चीज कहना चाहूँगा, गाइज प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि विदेश प्रदेश जाने से पहले आप लोग अपना जो है आत्मसम्मान बचा के रखो, आत्मविश्वास बचा के रखो, और जहाँ तक हो सके अपनी क्वालिफिकेशन को ज़्यादा बढ़ाओ, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाओ, अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाओ। क्योंकि दुनिया में सिर्फ इसी चीज़ का ट्रेंड है, ठीक है, दुनिया में किस कहीं भी आप चले जाओ। मुझे नहीं पता कि ये मेरा वीडियो आप में से कौन देख रहा है, हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो, कोई ना भी एजुकेटेड हो, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर काम करोगे, अगर आप अपनी एजुकेशन के ऊपर काम करोगे तो जाहिर सी बात है आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। क्योंकि हम सभी को क्या चाहिए, मतलब एक सर्वे के मुताबिक ये बताया गया था कि सबसे अच्छी ज़िंदगी किसकी होती है, जिसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है। तो हमारा रिलेशनशिप बिल्ड करता है या बनता है उस माध्यम से जिस हिसाब से हमारी अंडरस्टैंडिंग प्लस हमारी कमाई होती है, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हम रिलेशनशिप रखने के लिए कोई भी काबिल नहीं है। अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हम रिलेशनशिप, अच्छी रिलेशनशिप नहीं रह सकते, ठीक है, उसमें भी बहुत सारी कंडीशंस आ जाती हैं। तो पैसे कमाओ, लेकिन पैसे कमाने के लिए अपनी वैल्यू बढ़ाओ, ठीक है, पैसे कमाने के लिए अपनी वैल्यू बढ़ाओ। और रही बात दुबई लाइफ के बारे में, तो दुबई की लाइफ ऐसी ही है, अगर आपने अपनी क्वालिफिकेशन एजुकेशन पे काम किया है तो आप यहाँ आकर राजा बन सकते हो, आपको बहुत सारा पैसा मिल सकता है, बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। लेकिन आप सिर्फ अगर इसलिए आ रहे हो कि यूएई में जाके, भाई यहाँ के लोग भी लोकली हैं, उनको भी पता है कि मतलब इंडिया का रुपीज़ और यूएई के दिरहम में कितना डिफरेंसेस है। और यहाँ पे जो बिजनेस करने वाले लोग हैं ना वो इंडियंस हैं मैक्सिमम, तो उन्हें पता है कि इनको कितनी सैलरी देनी है। तो जब तक आप अपनी वैल्यू क्रिएट नहीं करोगे ना, तब तक ये लोग आपका शोषण करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे भाई। ये मान के चलो कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना बिल्कुल कड़वी सच्चाई है, दुनिया में आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझो, बूझो और उसके बाद में फिर अप्लाई करो, ठीक है। और अगर अप्लाई कर पाते हो तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि बस भाई को दुआओं में याद रखना। बाकी जो भी ऐसी वीडियोज़ होती रहेंगी, जो भी मेरे दिल में आता रहेगा, मैं आप लोगों को बताता रहूँगा इस चैनल के माध्यम से। तो अगर मन करे आपका तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगर कोई वीडियो मैं डालता हूँ तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये है यूएई की छोटी सी लाइफ, छोटा सा मेरा वार्तालाप था। होप कि मैंने आपको बोर नहीं किया होगा, अगर बोर नहीं किया तो कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।